बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर में 11 लोगों की मौत, 4 घायल। मुंबई में येस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ राणा कपूर के घर पर ईडी का छापा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया, लुकआउट नोटिस भी जारी। येस बैंक संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सफाई, कहा बैंकों में जमा लोगों की रकम पूरी तरह सेफ। बैंक को बचाने के लिए एसबीआई कर सकता है 2400 करोड़ का निवेश। कोरोना वायरस से दुनिया के 17 देशों में अब तक 3300 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में पीड़ित लोगों की संख्या 1,00,000 के पार पहुंची। फेसबुक ने शंघाई के बाद लंदन और सिंगापुर ऑफिस भी बंद किए। भारत में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हुई। केंद्र सरकार के दफ्तरों में 31 मार्च तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक। सरकार ने सामूहिक कार्यक्रम टालने की सलाह दी। दिल्ली में दंगे पर चर्चा और 7 सांसदों का निलंबन वापस करने की मांग पर संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस का हंगामा। दोनों सदन 11 मार्च तक के लिए स्थगित। कांग्रेस के 7 निलंबित सांसदों के मामले में जांच के लिए जांच कमेटी बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई। सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा हुई तो सरकार पर काला बादल छाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विधायकों को भोपाल बुलाया, कहा हमारे नेता बिकाऊ नहीं। राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में 3 साल बाद जुवेनाइल कोर्ट ने ट्रायल पर चल रहे 2 नाबालिगों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। और काबुल में आईएसआईएस के हमले में 32 लोगों की मौत, 2 हमलावर भी ढेर।